सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम हायर एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा, स्वयं पोर्टल, MOOC, इग्नू के जो टीवी चैनल है, रेडियो चैनल है, जैसे ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और साथ के साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह के आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं और किस तरह से हमें करने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम में 5 या 10 नंबर से रह गए हो? और दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि अब की बार भी दोबारा फिर से आप 5 या 10 नंबर से फेल हो जाए नेट या जेआरएफ लेने में? दोस्तों आप ये ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं चाहेंगे और अगर ऐसा किसी भी दोस्त के साथ होता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है हमें। तो दोस्तों देर किस बात की, इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमने आप सभी के लिए एक 20 डेज क्रैश कोर्स निकाला है। इस कोर्स में दोस्तों हम आपको पेपर फर्स्ट के सभी 10 यूनिट की अच्छे से स्टडी करवाएंगे, 10 यूनिट पीडीएफ स्टडी नोट्स देंगे और दोस्तों इसके अंदर हम आपको 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा रिविजन करवाएंगे हर एक यूनिट का। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2019 तक ओल्ड पेपर पीडीएफ देंगे, जिसके अंदर आपको दोस्तों टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जैसे कि आज तक जितने भी रिसर्च के क्वेश्चन आए वो हमने अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के जो आए वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के अलग रखे हैं, इस तरीके से 10 की 10 यूनिट के हमने टॉपिक अलग कर रखे हैं। दोस्तों उनको देख के आप बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको थ्योरेटिकल नोट्स और थ्योरेटिकल वीडियो देखते हैं, उनसे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको इस पेड कोर्स के अंदर यह बताते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर हर बार आते हैं और कई क्वेश्चन तो ऐसे दोस्तों जो जून 2019 एग्जाम में और दिसंबर में और पहले भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी आए, उनकी स्टेटमेंट और ऑप्शन भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी होते हैं। दोस्तों अगर हमें इन ऐसे क्वेश्चन का पता चल जाता है तो हम बिल्कुल आसानी से अपना नेट प्लस जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं और हर बार जो 5 या 10 नंबर से रहते हैं वो डर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप हमें किस तरह से ज्वाइन करना है वो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। उस मैसेज में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली है, ये कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों अभी से शुरू हो गया, आप हमें जल्द से जल्द मैसेज कीजिए इसके ऊपर और हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कैसे आपको वीडियोज मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं पोर्टल की। देखिए स्वयं पोर्टल क्या है, सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि एक बार अभी 2019 में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये हमें ध्यान में होना ज़रूरी है। और कोई भी अगर हमारा योजना है या फिर कुछ भी है उसकी फुल फॉर्म हमें पता होना ज़रूरी है। दोस्तों काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अगर आप यहाँ पे इसका लुक देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, इस तरह की ये वेबसाइट बनी हुई है। इसके अंदर काम क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। अब देखिए स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे MHRD कहते हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। अब देखिए इसमें 3 तरह की चीज़ें आ रही है, एक तो MHRD और एक AICTE और तीसरा जो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, इन तीनों की मदद से ये तैयार किया गया है। स्वयं पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 को आम बजट में भारत सरकार द्वारा की गई थी। देखिए 1 फरवरी 2017 को इसकी घोषणा की गई थी, जिसको 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये भी हमें ध्यान होना ज़रूरी है कि इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, लॉन्च कब किया गया था। स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत, कौन से 3 आधारभूत सिद्धांत है वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है पहुंच यानी कि SS, फिर है निष्पक्षता इक्विलिटी और उसके बाद है गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये चीज़ें हमें याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसकी विशेष बातें क्या है। विशेष बात सबसे पहले तो यही है कि स्वयं पोर्टल एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों को निःशुल्क सीखने के लिए प्रेरित करता है और इस पर जो भी कोर्स है दोस्तों वो फ्री में हमें मिल जाते हैं और इस पर 9वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के हम कोर्स
कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के चार भाग है। चार भाग कौन कौन से, किस तरह से हम शिक्षा ले सकते हैं। एक तो जैसे कि वीडियो देख के हम उससे शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारी PDF फाइल वगैरह उनको डाउनलोड करके हम प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तीसरा है स्वयं मूल्यांकन परीक्षा, यानी कि वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट है, हम टेस्ट दे के पता कर सकते हैं कि हमने कितना क्या कुछ सीखा है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन विचार विमर्श करते हैं, अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो हम वहाँ पे चैट वगैरह कर सकते हैं या फिर हम मेल द्वारा क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो ये चार तरीके हैं स्वयं पोर्टल पर शिक्षा लेने के। और उसके बाद है दोस्तों हमारा स्वयं प्रभा। अब देखिए स्वयं प्रभा क्या है ये भी हम देख लेते हैं। स्वयं प्रभा का लुक आप देख सकते हैं इस तरह से है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, वो जो स्वयं पोर्टल था वो थी हमारी वेबसाइट थी, और ये जो स्वयं प्रभा है ये दोस्तों DTH TV चैनल है। देखिए इसमें क्या होता है वो देखते हैं हम। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उन सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम बनाया गया है जो अपनी माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सके, यानी कि जिनको प्रॉब्लम होती है शिक्षा लेने में, चाहे वो 10वीं क्लास में हो, 12वीं में हो, चाहे किसी में भी हो, उनके लिए स्पेशल बनाया गया है। और स्टूडेंट इस ऑनलाइन स्वयं पोर्टल के जरिए अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। इसी के लिए MHRD और AICTE ने संयुक्त रूप से स्वयं प्रभा DTH TV चैनल का शुभारंभ किया है। तो अब क्या किया, पहले क्या था, पोर्टल था, पोर्टल पे हम जो PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद क्या है, स्वयं प्रभा DTH TV चैनल आया, वहाँ पे हम वीडियोस देख सकते थे, पूरा का पूरा लेक्चर हम वहाँ पे पढ़ सकते थे। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये भी 2017 को ही लॉन्च हुआ था और इसकी जो घोषणा है 2016 को हुई थी। आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखने वाली बात है, स्वयं की वेबसाइट पर जाकर किसी भी विषय के बारे में पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, मुक्त शिक्षा के अलावा स्वयं के 32 DTH चैनल के जरिए भी पढ़ाई की जा सकती है। और इसमें क्या है दोस्तों, एक और जो चीज़ मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली है, यहाँ 32 DTH चैनल पर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करवाया जाता है। सभी अध्यापक, विद्यार्थी और नागरिक आपस में सीखते हैं, 4 घंटे प्रत्येक दिन सीखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, कितने घंटे सीखते हैं, 4 घंटे प्रतिदिन सीखते हैं। एक दिन में 6 बार टेलीकास्ट होता है। ये दोनों की दोनों चीज़ हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें से पहले एक बार क्वेश्चन आया था, अपनी सुविधा अनुसार समय का चुनाव करते हैं, यानी कि जब जी चाहे वो अपनी सुविधा के अनुसार समय का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि जो टेलीकास्ट होता है वो 6 बार होता है दोस्तों, तो 6 बार में वो कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार TV देख सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों, और इसमें हम देखते हैं यहाँ पे आप ये बेसिक चीज़ें ये पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। स्वयं प्रभा योजना कक्षा 10 के स्तर से लेकर IIT तक के प्रारंभिक पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए बनाई गई है। ये भी नॉर्मल बात है दोस्तों। और आगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है हमारे पास MOOC, यानी कि जिसे हम मॉक भी कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फुल फॉर्म में से पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और इसका जो लुक है वो इस तरह से है दोस्तों, ये वेबसाइट का लुक है। और इसमें हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या खास बात है, यहाँ पे आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। और इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, MOOC वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसमें भी वही है दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन की तरह हम शिक्षा ले सकते हैं दूर बैठे। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब ये देखिए ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हम इंटरनेट के द्वारा शिक्षा ले सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों MOOC विशेष तौर पर STEM स्ट्रीम का मतलब होता है दोस्तों विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इनकी हम शिक्षा लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप।
और उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट उन्नत भारत अभियान, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए, उन्नत भारत अभियान एक मिशन की पहल है जिसे 11 नवंबर 2014 को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि IIT और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT के साथ मिलकर देश भर में लॉन्च किया गया था। ये चीज़ हमें ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों, एक तो IIT और एक NIT के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है। ये योजना किसकी दोस्तों? MHRD की ये योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाना है। इसमें से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि पहले जो उन्नत भारत अभियान है वो उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया गया है। उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण उन्नत भारत अभियान 2.0 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया है। ये भी इसमें आ सकता है दोस्तों। इस योजना में 748 संस्थान भाग ले रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 605 संस्थानों को ही चुना गया है। इसमें से 313 संस्थान तकनीकी तथा 292 संस्थान गैर तकनीकी है। पहले चरण में 143 संस्थानों ने भाग लिया था। तो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दे लेना ये जो लाइनें हैं। और उसके बाद इसके जो उद्देश्य हैं वो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों व छात्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि ये जो पूरा ज़्यादातर फोकस क्या कर रहा है, जो विलेज है, विलेज एजुकेशन, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए नवीन तकनीकी का उपयोग करना, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा योगदान देना। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमने इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अगर कोई दोस्त इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो वो यहाँ से इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन जो आज तक आए हैं वो हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारा रहता है जैसे इग्नू का ज्ञान वाणी हो गया, ज्ञान दर्शन हो गया और ज्ञान धारा हो गया, इनमें से क्वेश्चन आए काफ़ी, तो ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो ज्ञान वाणी है, ज्ञान वाणी क्या है। अब देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान वाणी, वाणी क्या होता है दोस्तों? जो हम बोलते हैं, वाणी मतलब बोलना। बोलना ज़्यादातर किस पे बोला जाता है? जो FM रेडियो होता है उसके ऊपर बोला जाता है। तो इस तरीके से इसे हम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, तो ज्ञान वाणी का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि जो एजुकेशनल FM चैनल है उसको हम ज्ञान वाणी कहते हैं और ये इग्नू द्वारा चलाया गया है। और अब ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच, यानी कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा वो हमें देखना है। अब देखिए, इसमें इन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर 3 इन्होंने दिया है, ओनली 3 ये। अब इन तीनों पे हम विचार करते हैं। सबसे पहला है ज्ञान दर्शन सैटेलाइट वेस्ट एजुकेशनल TV चैनल, ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ज्ञान दर्शन। अब दर्शन की जो बात आ रही है तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? देखना, यानी कि वीडियो, और वीडियो मतलब TV चैनल। तो ज्ञान दर्शन है वो एक सैटेलाइट एजुकेशनल TV चैनल है, ये इसकी बात बिल्कुल सही है। नंबर 2 पे भी बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, ज्ञान वाणी एक FM चैनल है इग्नू का। उसके बाद में जैसे MOOC है, इन्होंने इसकी फुल फॉर्म दी है मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स, तो ये इसकी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, हमने पढ़ा था इसकी फुल फॉर्म, तो ये ऑप्शन 3 है, ये इसका आंसर आ जाए, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। और हमें ये क्या बताना था, जो गलत है वही हमें बताना था। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब ये देखिए दोबारा फिर ये क्वेश्चन आया था जून 2019 में ही आया था, इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। अब हमें बताना कि ज्ञान दर्शन क्या है। अब जैसे दर्शन की बात आती है तो मैंने बताया था दर्शन मतलब TV देखना, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है, देखना चाहता हूँ आप कितना क्या कुछ पढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 20 जून 2019 को आया दोबारा, फिर ये ज्ञानवाणी आ गया कि ज्ञानवाणी है वो क्या है। ज्ञानवाणी क्या है दोस्तों? सीधी सी बात है, एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 बार हमारा क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ये आ गया और एक बार ये आ गया और एक बार ये आ गया, ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन से रिलेटेड। तो देख सकते कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है।
और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ जो रहती है हमारे पास, ज्ञान धारा रहती है। ज्ञान धारा, अब देखिए ज्ञान धारा क्या है। ज्ञान धारा इग्नू द्वारा पेश की गई एक इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा है। अब देखिए ज्ञानवाणी जो थी वो एक एफएम चैनल था, ये इंटरनेट की ऑनलाइन रेडियो सेवा है, ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इस दौरान दोस्तों वो क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन रेडियो सुन सकते हैं, टेलीफोन और ईमेल के ज़रिए वो अपनी मेल वगैरह भेज सकते हैं, अपने जो भी विचार है वो पूछ सकते हैं। ज्ञान धारा ये हमें पता होना चाहिए। तीन चीज़ें हमने कर ली, एक तो ज्ञान वाणी कर लिया, एक ज्ञान दर्शन कर लिया और तीसरा है ज्ञान धारा। इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, स्वयं का क्वेश्चन आया था 2019 के ही अंदर। इसके अंदर हमें बताना है कि स्वयं है वो क्या है। अब इन्होंने कहा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद में जैसे डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ये हो सकता है, इसको हम एक बार डाउट के लिए रखते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी डाउट के अंदर। नेम ऑफ ए वेबसाइट, नहीं ये नहीं कह सकते। अब देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर टू है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने ऑप्शन नंबर थ्री दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चलो ठीक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन किस चीज़ का है ये तो बताना चाहिए ना। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर टू हमारा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 48, द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम टू, इसका क्या एम है वो हमें बताना है दोस्तों। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर टू है ये देखिए दोस्तों, लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद एट लीस्ट 5 विलेजेस। अब देखिए वहाँ पे हमने बात की थी ना कि इस जो उन्नत भारत अभियान है वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, विलेज के ऊपर फोकस कर रहा है। और इन चार ऑप्शन में इसको छोड़ के और किसी में भी विलेज की बात नहीं कही गई है। और जो 5 विलेज की बात है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट उनके साथ जुड़ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कम से कम 5 विलेज को शिक्षित करें, उनमें अपना योगदान दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास एक और ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर ही आया था। इसने कहा है कि NMEICT का पूरा मतलब क्या है वो हमें बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, NMEICT की फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है। और अगर आप अधिक जानकारी चाहे तो इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें से पहली बार एक ही बार इसमें से क्वेश्चन आया था, ज़्यादा बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहे तो इसमें से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।